Hey guys, this is Nikita. Welcome back to my channel. आज हम बात करने वाले हैं Lakme 9to5 CC क्रीम की। तो basically आज का वीडियो एक रिव्यू वीडियो है जिसके अंदर हम इसकी सारी डिटेल्स देखेंगे, जैसे कि इसका कवरेज कितना है, टेक्सचर, सन प्रोटेक्शन, ब्लेंडिंग, एवरीथिंग। तो चलिए देखते हैं सारी डिटेल्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कर दीजिए कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो, नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, ताकि आप ऐसे यूजफुल वीडियोस को कभी मिस नहीं करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, यूजफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी पैकिंग कैसी है। तो पैकिंग में आप देख सकते हैं कि ये एक आता है इस तरह के बॉक्स के अंदर, जिसमें हमें मिलती है एक ट्यूब जो की है हमारी सीसी क्रीम। ये तीन डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है। एक आता है 9 ग्राम जो की मेरे पास है, ये सिर्फ आता है 99 रुपीज का, जो एक ट्रायल पैक है। सेकंड आता है 18 ग्राम्स एंड थर्ड कम्स फॉर 30 ग्राम्स। 30 ग्राम्स वाला जो पैक है वो आता है 310 रुपीज का, एंड अगर आप ऑनलाइन परचेज करेंगे तो उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा जहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ है 24 मंथ्स। और जो इसके मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये है कि ये आता है 4 शेड्स में, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसका। एक्चुअली जो भी हम किसी भी दूसरे ब्रांड्स की बीबी या फिर सीसी क्रीम देखें तो वो सिर्फ 1 या 2 शेड्स में ही अवेलेबल होती है, बट इन दिस केस ये है आपको मिल जाएगी 4 डिफरेंट शेड्स में। पहले ये भी सिर्फ 2 ही शेड्स में अवेलेबल थी, बट अभी ये आती है 4 शेड्स के अंदर। फर्स्ट है बेज एंड ब्रॉन्ज, ऑलमंड एंड हनी, 4 शेड्स अवेलेबल है। तो आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग कोई भी शेड सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स टू सन प्रोटेक्शन। तो सन प्रोटेक्शन भी ये अच्छा खासा दे देता है, क्योंकि इसके अंदर है 30 SPF विथ PA++। तो आपको कोई भी सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको सन से भी बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट कर देगा। नाउ कम्स द टेक्सचर। तो टेक्सचर की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही क्रीमी एंड फ्लफी टेक्सचर का है, एंड लाइक बहुत ही व्हिप्ड क्रीम जो होता है ना, ये उसका टेक्सचर इस टाइप का है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से इजीली आपकी स्किन के ऊपर ब्लेंड हो जाता है। एंड कवरेज की बात करें तो कवरेज के लिए तो चलिए हम देख ही लेते हैं कि डेमो देख लेते हैं कि जिसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ कि ये कितना कवरेज दे देता है। मैं थोड़ी सी Lakme CC क्रीम को ले रही हूँ ऑन बैक ऑफ माय हैंड, एंड स्मॉल स्मॉल डॉट्स बना करके मैं अपने फेस के ऊपर इसे अप्लाई कर रही हूँ। यू कैन यूज़ एनी टूल्स लाइक मेकअप ब्रशेज या फिर स्पॉन्ज या ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आप चाहें तो इसे ब्लेंड कर सकते हैं, या फिर आप जिस तरह से मैं फिंगर से इसे अप्लाई कर रही हूँ तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। एंड धीरे धीरे इसे डैप करते हुए इसे अप्लाई करना है, आप फिंगर से भी ईजीली इसे अप्लाई कर सकते हैं। ब्लेंड करना बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजीली ये ब्लेंड हो जाता है फेस के ऊपर, एंड जो कवरेज है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है। जो फिनिश्ड लुक जो इसमें मिल रहा है वो इतना नेचुरल लुक मिलता है ना कि ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने अपने फेस के ऊपर कुछ भी अप्लाई किया है। बहुत ही नेचुरल एंड ग्लोइंग लुक मिलता है। यू कैन सी कि मेरे फेस के ऊपर काफ़ी अच्छा ग्लो लग रहा है। तो अगर आपको डार्क स्पॉट या फिर ब्लेमिशेस की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी बहुत ही ईजीली हाइड हो जाएगी, या फिर डार्क सर्कल्स हैं तो वो भी हाइड हो जाते हैं। अगर डार्क सर्कल्स या फिर डार्क स्पॉट्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है तो उसको थोड़ा सा आपको कंसील करना पड़ेगा, या फिर अगर आप चाहें तो सेकंड लेयर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो यस, दिस गिव्स अ वेरी नाइस कवरेज। ओवरऑल अगर हम सारी चीज़ों को कंपेयर करके Lakme 9to5 सीसी क्रीम की बात करें तो आई वुड से कि ये डेली यूजेज के लिए भी अच्छी है, एंड एट द सेम टाइम अगर आप किसी भी पार्टी या फंक्शन के अंदर जा रहे हैं तो भी आप इसे एज अ मेकअप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई मेकअप की लेयर अप्लाई करना पसंद नहीं है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। कवरेज भी इसके अंदर आपको अच्छा मिल जाएगा, एक फाउंडेशन जैसा आपको लुक मिल जाएगा, और इन दिस केस आपको कोई भी मॉइस्चराइजर अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी कर देगा, एंड सन प्रोटेक्शन भी अच्छा है, कवरेज आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, या फिर आप विंटर्स में इसे यूज करें तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और दोस्त जिनकी स्किन ऑयली है या फिर आप समर्स में यूज करना चाहते हैं तो आई वुड से कि इसको आपको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ कॉम्पैक्ट। लास्टिंग की अगर हम बात करें तो ये 4 से 5 घंटे आराम से चल जाता है, लेकिन अगर आपको लास्टिंग बढ़ानी हो तो आई वुड से कि आप पहले प्राइमर अप्लाई करके इस सीसी क्रीम को अप्लाई करें और उसके बाद आप इसे सेट कर दीजिए,
तो ये आराम से 6 से 7 घंटे आपको आराम से निकल जाएंगे, आपको कोई भी टचअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सारी चीजों को देखते हुए आई वुड से कि अगर आप सीसी क्रीम ट्राई करना चाहते हैं तो लैक्मे 9 to 5 सीसी क्रीम बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अंदर आपको अलग अलग शेड्स मिल जाएंगे, आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग शेड चूज कर सकते हैं, कवरेज अच्छा मिल जाता है, SPF है, सारी चीजें बहुत अच्छी है, जस्ट गो फॉर इट। सो दैट्स ऑल फॉर माय टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मैं जल्दी मिलती हूँ आप सबसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।